प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परितावभूव। जत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणां। हे प्रजापालक प्रभु, ये संसारर वैचित्र्यपूर्ण पदार्थ निर्माण करिबा आपणक व्यतीत कहारी साध्य नुहे। आपण द्विपद एवं चतुष्पद सबु समस्त कल्याण पाई बहु पदार्थ संयोजना करिछन्ति। हे प्रभु, आपण को बारंबार प्रणाम करुछु। आपण आम भितरे असत भावना दूर करि सद्भावना प्रेरणा करंतु, एतिके प्रार्थना प्रभु। बालक मोर बोलकरण आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। अनेक समय रे आमे बेले बेले भावती मोर सुख पाई अन्य को दुख देले, अन्य को बाहर कर देले, मोर लाभ हो। बहु परिवार आपण लक्ष्य करथिबे बापा माँ कथा पुओ बहु मानिबे नाही बोली पुओ बहु माने बापा माँ को छाड़ी पळे जांती बाहर। भावती कि एते सेवा शुश्रूषा करिबो, एते काम करिबो, एते आदेश मानिबो, ता अपेक्षा निजे स्वच्छंद जीवन जापन करिबु, स्वाधीन भावरे रहिबु। ये आपण पिला माने देखुचंती, आपण पिला माने जेतेबेले देखिबे मो बापा मा जेजे बाप जेजे मां प्रति व्यवहार जेमिति करुचंती, से माने जेतेबेले बड़ हेबे से माने आपण प्रति सेबेले व्यवहार करिवेनि काही कि आपण काही आशा करुनांती। बारंबार चिंतन करंतु, आपण जेमिति बुनिबे सेमिति पाइबे। दुनिया रे कई धान बुनी गहम पाई नहीं आज्ञा, आंब प्रति कहार शिंब होने। आपण बारंबार चिंतन करंतु, आपण आपणकर जेजेबाप बापा माँ को जेमिति व्यवहार करिवे आपण को पिला माने ताकु देखुचंती से सेमती व्यवहार करिवे। बहु सतर्क हुवंतु, नखले एक परंपरा हो जीव। बूढ़ा हेले वृद्धाश्रम को जाओ, शिशु हेले बालक हेले कौन कर बाल्याश्रम को जाओ, अनाथाश्रम को से कौन थे जो बालक माने जोटी पढ़ुंत आजिकल जा किंडर गार्डन आदि विभिन्न कथा कौन एमती करूँ नहीं। आम पुराणा अवस्था जमी वृद्धाश्रम नाला आज्ञा। सबुठ बड़ कथा हूँ वृद्धाश्रम बर्तमान धनी लोक मान बापा माँ देखा, गरीब लोग बापा माँ को विदा करे। एगुड़िक उदाहरण सृष्टि करूँ नहीं, निजर बापा माँ को सम्मान दिंतु। आपण पाई आपण नुहे, विशेषतः माँ मान को अनुरोध करुच्छे शाशु श्वश मान को सम्मान करूँ। आप पिला भाव जे मो माँ ता शाशु को जिते भक्ति करुच्ची, मुँह मो जेजे माँ को सेमती भक्ति करी, आपण प्रति मध्य भक्ति रही है सेमती भविष्य में। आप जानते जन महान दार्शनिक थिले मुल्ला नसरुद्दीन ना शुणिथे, जदिव से जड़े मुल्ला अर्थ मुसलिम संप्रदायर कि विचार अत्यंत मानविक विचार। सी गोटे लोक माँ को बहुत भय कर, माने विवाह कले दाम्पत्य जीवन जीवन जापन करुवा सत्वे भी बयस अधिका सत्वे भी माँ को एत भय करुले पाटी सेमती माँ तैयारी करते कौन सी त्रुटि को केवे क्षमा दौन। त्रुटि है उठ बस सेमती दंड पा सेम दंड पा खाइबा डेरी हम, माने जमी पिला जीवन में आउ द्वित बार से त्रुटि न कै। आप दंड न मिले पिला उदंड हम, जो थी दंड मिल से भलरे बुझंतु पिला निश्चित नम्र भद्र एवं सुशील हो। ये दंड बोले मुझे शारीरिक दंड कहूनी, पिटवा मारवा कथा कहू ना, विभिन्न दंड अच्छे मानसिक दंड मु तो सहित कथा हो ना, तू मो सांगे बस ना माँ जी बारंबार कह आज गोटे दिन तू मो पाखे बस भी नहीं पिला बुझीज अनेक कथ। मुलांकर जे पत्नी आसे मुलांकर गोटे छोटिया व्यवसाय था, माँ को भय से कौन करुले प्रात काल उठुले निजर नित्यकर्म सारी दुकान जाए ठीक समय बसुले, माँ भी अनेक समय साहय करुले। पत्नी घर कम कर सारा पर मध्य व्यवसाय अनेक बाहर जिनस को प्रस्तुत कर दौले। धरतु गोटे व्यवसाय कला बेले अनेक जिनस तो सर्वदा प्रस्तुत न थाए, अप्रस्तुत पदार्थ को धरतु गोटे आलु बस्ताटे आसला से भल को बाछवा मंद को खोपाड़ा एम सब विभिन्न प्रकार कार्य अच्छी ना। तक पत्नी करुले पर भलि चलता, समय क्रमे पत्नी आर पड़ान। यार मूल कारण हूँ जड़े बहुटीए बुझा दरकार
मुझे माँ आपण मान अंत पक्ष पाई करूँ आप बुझी नि पुओ को निर्माण करुवा माटी नाति को निर्माण करें पुओ को निर्माण करपाटी तार नाति को निर्माण कर दृष्टिकोण रु के निजर शाशु श्वश प्रति व्यवहार करते क्या पुओ खराब हो मुल्लांकर पत्नी बारंबार बारंबार माँ प्रति खराब व्यवहार करने द्वारा सर्वदा शाशु बहू के भितर मतांतर सृष्टि होता मुल्लांकर पत्नी दिने जिद्दी धरी बसिले ये माँ घर नगला पर्यंत मुबे अन्न जल स्पर्श करी ना बहु बाद बद है मुला बुझेले क्या देख माँ अच्छा बोली आमर ये उपकार होमें व्यवसाय वाणिज्य काम कला बेले माँ बहुत साहय कर परिवार को भल चलुंट केते प्रकार कथा बुझेले बेले बेले बहित पाटे लोकटे बड़ कष्ट पाए मानने ना पत्नी कथा बुझ ना माँ कथा बुझ बिचारा जदि पत्नी कथा बुझला तेल लोके कहले कौन स्त्री कथा मानुची जदि माँ कथा बुझला कह पत्नी की अवहेला कर बड़ द्वंद्वे पड़े व्यक्ति कितु ता सत्वे पिला देखे मो बापा की रकम समन्वय कर जेजेमा को भी भक्ति करूँ माँ को मध्य श्रद्धा कर उभय काम करवा कम कथा नुहे ये सत्व यार भितर पिला देखुं सबू से ठीक से भाई आपण प्रति व्यवहार कर कारण आप जो जो कथा बाट गुड़िका जीवे आपण पाने से ही रास्त चलिए आप पिला को पाठ पढ़े हमने आज्ञा जीविका गठन पाई जमी पाठ पढ़ुं जीवन गठन पाई सेमती किसी पाठ पढ़ा आजिकाल समस्ते जीविका पढ़ुं 85 केमी रख 90 केमी रख क्लास फास्ट हे अरे भाई क्लास रे फास्ट हो से मना ना कि जीवन गठन में फास्ट हो न लास्ट हो बड़ चाकरी कर लाच नब धरा पड़ जेल जीव बहुत पैसा रोजगार करधन प्रति लोभ थोड़े लोक आज्ञा दरमा पर्यटन 60-70 हजार 50 टाँ 60 टाँ केमी होती ना अफिस् मानक आप चिंता कर पिला को सिया तैयारी चाहते भल बाट तैयारी करूँ मुला स्त्री को बुझेले कह देख माँ चलीगला पर बहुत दुख हे तुम्हें बुझे स्त्री कौन सटे बुझे कौन कर माँ को नहीं उपयुक्त बंधु घर छाड़देले माँ को खावा पीवा बस बार किसी असुविधा हमने छाड़दे निजे बहुत दुखित है कि गोटे कथा जानते माँ का डर से भोर उठुले माँ का डर से व्यवसाय को जाते माँ का डर से सब काम करते माँ को भय करते पिलाट भय करते एवं पति पत्नी पति पत्नी जीवन जापन करवा सत्वे भी माँ को पूर्व भय कर थे भय रही जा माँ प्रति मैंने से भाई केवे निर्भय हमें बहु पिला पिलाटी बेले माँ बाप को मानती बड़े आउ मानती विभिन्न कथा कही मना आम कथा मानवे केमी हे तुम्हें कौन जाच बिचरा लोकटा तो भाव मुझे जीवन सारा किसी जानी छुआ बेले माँ कहता तू कि जानू रे युवक बेले वृद्ध मानने पति पत्नी जीवन में पत्नी कहला तुम्हें किसी बुझीपार न आ बुढ़ा हाला बेले छुआ पिला पुओ पुओ बो कहते आप किसी बुझी ना आ बुझी कौदिन आ जीवनटा सारा एमती अबुझा रही गली बोधे भाई किंतु मुला से भय भय करम जमी माँ चलीगला भय रही इच्छा अनुसार शोले इच्छा अनुसार गाधेले इच्छा अनुसार दात बसिले आउ व्यवसाय को ठीक घरे गलानी दुकान खोला गलानी जिते बारंबार बारंबार नियम दुकान खोला गला ना तेणु खर्धार मान जो आसते जो मैंने ग्राहक आसुले सी पड़े अने को दुकान कौन गोटे दुकानी की से दुकान जगह बसवे देखिले 8टा 5 दुकान खोला है जार आलू दरकार कि कौन किसी जहाँ किसी तेजरा सौदा दरकार डाली दरकार कि अन्य किसी दरकार से अन्य दुकान निकल गल ये जो 8टा 9टा बेले दुकान खोलें कई खर्धार ना धीरे धीरे व्यवसाय लाभ कमिला व्यवसाय वाणिज्य लोक आईले जिनस नष्ट जिनस नष्ट द्वारा कर्मचारी मैंने पड़े दरमा दे पारे दरमा नाला निजे नियमित गले तेणु दोकानी एकातर चाबी पकेला भाई अवस्था है दोकान आयरे परिवार चलता दोकान आयरे परिवार चलला भली जिते सुविधा नहला परिवार असुविधा है निजर आवश्यक पदार्थ किनवाई पैसा पाइल चाउल दे कमी किणवे पनीपरिया कितना ना आगुरी कौन दोकानु नहीं आसते खाऊ
ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦରକାର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଳୁ ଜାତୀୟ ଦରକାର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ପନିପରିବା ଯାହା ଦରକାର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ଆସିଲେ ସିନା କେଉଁଠି ପଇସା ପଇସା ମିଳନ୍ତା, ମୂଳ ଜମା ଛଡ଼ ପରେ ମୂଳ ଜମାକୁ ବି ଖାଇଗଲେ, ମୂଳ ଜମା ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଜନ ବି ଜିନିଷ ଦେଉନି। ମୁଁ ଉଲ୍ଲାକର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ଯାହା ବାବୁ ଯେତେ ମିଳିବ ମିଳିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, କହିଲେ ଏ ପରିବାର ଚାଲିବ କେମିତି, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ତମେ ଉଠୁନା, ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଉଠୁନି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କଲା ଭୟ ନାହିଁ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଚାଲିଯିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଭୟ କରିବ କାହାକୁ, ପାପକୁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ, ଅସତ୍ୟକୁ, ଅଧର୍ମକୁ ଭୟ କରିବ, କାଳେ ଅଧର୍ମ ହୋଇଯିବ କି, ସେତେବେଳେ ତାର ବିପରୀତ କାମ କରି ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଲ୍ଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏତିକି ବୁଝିଲେନି, ବହୁ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ପତିକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲେନି, ଅନ୍ୟ ଚାକର ବାକର କଥା ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ଦରମା ଦେଇପାରିଲେ ବି ନେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଦେଖିଲେ, ମୁଲ୍ଲାଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ମୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ବୁଝାନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆ ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଚାରପତି ସେ ଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାନ୍ତର ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ପରିବାରରେ ଯଦି ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା, ତମେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳି ଯାଉଥିଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବିବାଦକୁ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଲୋକଟା ଆଜି କି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପତ୍ନୀ ତ କୌଣସି ପଟେ ମାରିଲେନି, ମାଆକୁ କୌଣସି ପଟେ ବୁଝେଇକି ସିନା ବାହାର କରିଦେଲି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କ'ଣ କରିବି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ନିଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅପମାନକୁ ସହିଯାଏ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନୀରବ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନେଇ, ନୀରବ ରହୁଥିବା ଲୋକଟା ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କଥା ଶିଖିନି, ପରିବାର ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଚୁପ୍ ନୀରବ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସୁଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଥା କହି ଶିଖିନି, ସେ ଜାଣିଛି ଏ ପଦଟା କହିଦେଲେ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରକାର ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚରା ମୁଲ୍ଲା ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେବ, କଥା କରିବ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନି, ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବକ୍ତେଟିଏ ଖାଇ କୌଣସି ବାଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାହୁତ ପ୍ରବିଶତି ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବିନା ଡାକରାରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସିନା ବନ୍ଧୁ ଭଲରେ ଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ଗଲେ ଭାବିବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆହୁରି କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏଭଳି ହେଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୁଲ୍ଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା, ବନ୍ଧୁ ଭଲରେ ଅଛି ବିଶେଷ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ବିପଦରେ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବିପଦରେ ଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେ କି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଟିକେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମାନେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଏଇଆ। କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ ମୋରି ଦୋଷ କହିବା ପାଇଁ ଥିଲା ନା, ଆପଣ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କହିବି ନା, ତମେ କରନା, ତମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛ ତମ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଜଣକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସିଏ ଉତ୍ତମ ମା ତୁମ ଶାଶୁ ଯିଏ, ତମେ ଝଗଡ଼ା କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଭୟ ରହିଲାନି, ତେଣୁ ତମକୁ ପୁଣି ଶାଶୁକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କହିଲେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିଣୀକୁ ପୁଣି ଫେରେ, ବଡ଼ ପାଟି ମାନେ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପାଟିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି କିଏ ମୁଲ୍ଲା, ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବହୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲା,
गाँव अन्य लोक माने मध्य भयभीत हमें मुल्लांक माँ को कहीं से न्याय कथा कहत जे भल कथा कहे जे न्याय कथा कहे कहार कथा उपर टे गुरुत्व रहे बड़ पाटी कर बड़ पाटी शब्द अर्थ कौन कथार गांभीर्य रहे मधुर कथा कह मिछ कह ये कौ बंधुर लक्षण नुहे कथाटा बर कर्क सब सत्य कह बंधु पाखे मुल्लांक माँ पाखे से ही गुण थी कठिन हो पारे कथा शुणा को कितु प्रकृत सत्य कहते असत्य के बाटर बाहर ना से कहले फेर से बड़ पार्टी को डाक पड़ो मत बड़ पार्टी करूला शाशु आसिकी पुणी एत कथा कही बर्तमान जी भूल मागिमी अनेक अहंकारी लोक भूल मागिया को भारी कष्ट पाती कि जाणी ना संसार रे जी नई सी पूर्ण हो आपण बाल्टी पकईकी कूर पा का गरा पकई कूर जदि पा का अभ्यास थी आजिकल कौ जा सब तो क्या टेप खोलीदे पवन पा बाहर चो किए जानू से कथा गरा पकई जिते कूर पा आसूला गराटा सीधा थी बुड़ ना से दौड़े आम नई दौलु नईलापर गराटा पुड़ूला पूर्ण होता कहार उद्देश्य हूँ नम्र जी हम पूर्ण सी हम अहंकारी बहु पार्टी करी स्वामी सहित कथबार्ता करी माँ को शाशु को बाहर करतान बंधु कहले बाट कि नाई जदि शाशु को घर को न आणव आम सब बेले कहते ना शाशु घर पलैले लक्ष्मी पलैब ये हूँ लक्ष्मी जीवार मान लक्ष्मी जीवार अर्थ लक्ष्मी पलै जाती सब लक्ष्म शब्द अर्थ हूँ चिह्न सब शुभ चिह्न गुड़ाक पलै जाए माँ भाया लोक तुम बाहर करदे तुम घर शांति केमी र कौन करे उपाय ना देखिले मुला क्या कथा मानुना दुकान खुला हो व्यवसाय वाणिज्य तो पछ कथा खोर्धार के आसुना बाकी जिनस आदाय हो घरे भक्त खाइले आउ भक्त को उपास खावाक ना ये पिस्थित बाट कि ना निहाती जा भूल मागि शाशु को फेर पड़ो निष्पत्ति कले यू डाकिले कौन ये कहे मुझे तुम्हें करमें जाओ नमती गरीब चलिया मागे जाती खाइब मुझे नहीं ये तो जिद खुरी लोक नहीं सत्य प्रति निष्ठा रखुवा लोक ये निजे गले जो बंधुक घरे शाशु अच्छा से बंधु पाख गले भूल मागिले कहले क्रोध बशत मुझको हतादर करमा कर दिं माँ हृदय पा थे आप भूल मागिदे माँ कौन के रागिपर से कहे कौन हो पिस्थित ना एत पिस्थित मत खबर दौन कहीं आपण को कौन कह भावली पिस्थित बदली से कहे ठीक अच्छे मुझे दिने दुई दिन भितर जा पहुँचुची सेठिकार जहाँ कार्य था समापन कर सारापर दुई दिन पर घर को आस घर को आसला जोबले शुणिले माँ आसी आसीगला मुला शुणिले माँ आसीगले एंकर आउ कौन कथा शुणी आप मान दिया हाथ थर आरंभ है आउ शोबन आउ आलस्यपरायण हो पारना तेणु माँ आसला कौन है जमी प्रात काल उठते सेमती उठले नित्यकर्म समाप्त कर जा अन्न कम कले कि व्यवसाय देखे चलुनी माँ तंग बंधु पाखे जा पहुँची कहले कहे मत कि अर्थ साहय कर मो पु बर्तन रसा तल को जापदे पड़ी आ बंधु मान कम कौन कि सब वे आसवा दरकार नहीं कि विपद बेले छाड़ी जावा भी दरकार नहीं बंधुर प्रथम लक्षण हूँ बंधु भल थे आसवा न आसवा सहित संपर्क ना कि बंधु विपदे पड़ते छाड़ी ना यहाँ कहते प्रकृत बंधु खराब कम कर जिद्दि धरिकी छड़ेब भल कम कर भल कथा कही अग्रसर कर कहीं आजिकल बंधु विपद बेले बंधु आ देखा ना संपद बेले सब सखा होती कि माँ कहले मुझे घरे मत छाड़ आसलु जहाँ मुझे कहीकि आते अर्थ साहय करे मुला गले अर्थ साहज आणले
पुणी व्यवसाय पुणी जिनस आणिले पुणी जिनसपत किणी सारा पर व्यवसाय को आरंभ कले माँ भय प्रातकाल उठिले व्यवसाय को गले जमी नियमित कार्य करुले कले धीरे धीरे नष्ट व्यवसाय पुणी पूर्व स्थित को फेरी आसा पत्नी बुझिपारे जदि मनुष्य पाखे भय ना ताले केवे जीवन रे जय ना जो माने स्वार्थवशत अन्य को अवहेला करती जीवन भेड़ा बुड़ निश्चित तेरे बंधु गुरुजन मान को हतादर कर ना जो माने तुम जीवन रे तुमको भूल को सचेतन करूँ दूरे जाओनी नखले से घृणा कले से तुम निश्चित जीवन नष्ट बुल्ला पत्नी निजर भूल बुझिपारे निजर शाशुंकर सेवा कले कारण देखिले शाशुंक मुल्ला ही काम परिवार जो स्थित को थिला से स्थित को फेरवाप समय लगे सीना किंतु पूर्व क्षति भरणा हो गला आसंत बंधु मोर कहार कथा हो गुरुजन प्रति असम्मान करूँ ना तक राग को बेले बेले आदि आशीर्वाद भाया ग्रहण करूँ बापा माँ के क्रोध कर पदे कहते आशीर्वाद भाया ग्रहण करूँ निश्चित जीवन सफल हो यह विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुच्ची ये अध्याय को समाप्त करिया पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा उपयुक्त परामर्श आम को कष्ट लगे किंतु आम जीवन को भूल मार्ग रु भल मार्ग को नवे सहायता कै उपयुक्त लोकों परामर्श नि जीवन में सकल प्रकार क्षति को पुणी लाभरे परिणत करंतु परामर्श ही जीवन को नूतन संदेश दिए ए विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुच्ची समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।